तो नहीं, चने तो अपने ब्रेड पे ही बना रखे हैं श्री राम जी। देखिए जिन्होंने तो येलो कपड़े पहने हैं। जय श्री राम, बोलो मुँह, जय श्री राम। हे एवरीवन, जय श्री कृष्ण, आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बोलो बोलो। तो आज ना मैं 2-3 दिन बाद ही ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कुछ होता भी नहीं है खास। क्या आप लोगों को बोर करती रहूँ यार रोज़ एक ही चीज़ दिखाते दिखाते, इसलिए मैंने ब्लॉग भी डाले। और एक रीज़न ये भी है, मौसम बहुत ठंडा है, कुछ मन ही नहीं करता बाहर जाने का, कहीं जाने का। तो गाइस अभी ना आज जैसा कि आप लोग को पता है 22 जनवरी है, राम जी का दिन है। तो हमारे भी छोटे से गांव में ना, तब जहाँ पे मैं उस टाइम मंदिर में गई थी पुंडागिरी मंदिर में, तो वहाँ से निकालना है राम जी के लिए रैली निकालना है, गांव वाले सब लोग मिलके झंडा पकड़ के। तो पतिदेव भी तैयार हो चुके हैं, वैसे तो पीले कपड़े पहन के आने हैं सबको, बट हाई। अच्छा मेरा बेटा हाई करा है, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई। हाँ जय श्री राम, जय कर दो, जय कर दो, जय श्री राम। तो जी नहीं, अच्छी पास तो येलो ड्रेस कपड़े मतलब है नहीं, और तो अब क्या है यार एक ही दिन में कैसे खरीदते। तो हमने कहा कि चलो ऐसे चले जाओ आप, और बच्चे भी रेडी हो रखे हैं, और मेरी सास भी रेडी हुई है, पीली साड़ी पहने की है सास ने, और रंगीला पिछवाड़ा डाल के जा रही है सास। मम्मी सर पे कुछ पहन लो, ठंडा लगेगा। क्या भाई टोपी पहन लो। तो मेरी सास से बिना टोपी के जा रही थी, मैं कह रही टोपी पहन लो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा मौसम, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और कल तो मेरी थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई थी इस मौसम के चक्कर में, आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं। तो अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, ये भी रेडी हो चुका है, तो जा रहे हैं सब बच्चे कुच्चे सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, ठंडा इतना है यार। जीनल की भी, जीनल को भी सब जा। तो पतिदेव और सास भी चले चुके हैं, और अभी बच्चे भी जाएंगे, फिर से आएंगे इनको लेने के लिए, बच्चों को लेने। तो फ्रेंड्स अभी हो गई थी शाम, और हम लोग आ गए थे मार्केट में, क्योंकि राम जी का मंदिर है यहाँ पे, तो डेकोरेशन देखने आए थे। और इतनी प्यारी डेकोरेशन की थी ना, ये पूरी रंगोली फूल की बनाई थी, काफ़ी प्यारी बनाई थी, और मंदिर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। अंदर जाके तो मैं क्लिक नहीं कर पाई, तो बस बाहर से किया मैंने थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर सकी। और यहाँ पर ना दिया से ना जय श्री राम लिख रहे थे, और जब ये जलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। बट मैं जिनल के उससे ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। तो हम लोग भी अब घर को जा रहे थे, तो पूरे अयोध्या में ना, और मतलब पूरे इंडिया में ना दिवाली टाइप का एक माहौल बन गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ये सब कुछ देख के। अभी हम लोग ना कैंटीन के अंदर आ गए थे, मैंने ना वीडियो घर से शूट किया, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम लोग, और यहाँ पे सामान ही नहीं है। दिखा बिस्किट, जो कि पूरे बिस्किट के रैक फुल होते थे, आज एक भी क्या दिखाऊं, एक भी रैक में बिस्किट नहीं है, बिस्किट ही नहीं है। हमेशा बिस्किट रहते थे, आज बिस्किट ही नहीं है। तो जो सब खाने का आइटम मिल रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि लास्ट ऐसा है कैंटीन आने वाली है, तो हम सामान लेते हैं, और उसके बाद आप लोग को घर में जाके बात करते हैं। अभी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग को ना बस इतना ही सामान मिला है, ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं, इसके अलावा कुछ था ही नहीं यार। और सारा ना आइटम खाने का ही दिख रहा है मुझे, और नीरज को भेजा है मैंने वहाँ बैग रखने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर हैं ना, आप लोग को पता होगा जो लोग बनबसा यहाँ से मतलब इस डिस्ट्रिक्ट से होंगे ना, तो उन्हें पता होगा कि यहाँ कितने बंदर आते हैं। तो नीरज चंद आ चुके हैं, और डालते हैं बैग में सामान, अंदर ही डालते हैं क्योंकि बाहर बहुत बंदर है यार। तो चलो डालते हैं सामान, थोड़ा बहुत तो सामान लीजिए। तो चलो हम सामान डालते हैं और सीधे आप लोगों से घर पे ही मिलते हैं। हे एवरीवन, तो अभी ना मैं ना ये जो मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज जैसे कि आप लोगों को पीछे दिख रहा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली है, और काफ़ी मतलब क्या ही बताएं, धूप ना बहुत दिनों बाद आ रखी है। कल भी आई थी, कल बट थोड़ा लेट आई थी, बट आज ना सुबह से धूप थी यहाँ,
और अभी जाने भी वाली है, धूप आई थी, अब जाने का टाइम भी गया धूप का। सो अभी जो है आजकल कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से व्लॉग मेरे नहीं आ रहा है और मौसम भी ऐसा है, तो ये भी एक रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मौसम ख़राब चल रहा है, तो ये है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे तो अभी ना यहाँ पे ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, और पतंग तो उड़ानी आती नहीं है लोगों को, बस खाली ऐसे ही इधर उधर फेंक के फाड़ दी है पतंग इन लोगों ने, वो देखो। तो अभी दिखाते हैं आप लोग को, और रुको एक मिनट दिखाते हैं इन लोग क्या कर रहे हैं। मतलब काकोवा चली चुके हैं हमारे यहाँ, लेकिन इनकी पतंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और नीरज आप क्या कर रहे हो भाई? अच्छा चलिए आप गुड़ा कटक वाली। नीरज हमारे लिए कुछ बना रहे हैं आज, देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको क्या बनाते हैं आज। नीरज को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है हम लोगों पे चलो तो इन दोनों को देखो, ये पागल कहीं के बिन मौसम पर पतंग उड़ा रहे, पतंग भी काए हो, पतंग ही अटक गई। भाई को पतंग उड़ानी आती नहीं, लेकिन एक्शन फुल हो रखे हैं, भाई के एक्शन फुल हो रखे हैं, पतंग उड़ाने की कोशिश पूरी हो रही है, हाथ के एक्शन एकदम पतंग की तरह कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रही। और ये कन्नी देने वाले तो मान ही है, कन्नी देने वाले पूरी पतंग फाड़ दी है, कभी रोज के उसमें फंसा रहा है, कभी ये अशोक के पेड़ में फंसा रहा है। ये देखो ना, अभी देखना है इसको फेंक फेंक कहाँ जाएगा, क्या धरती आसमान हो जाएगा, मेरा कैमरा नहीं जा रहा तेरे पीछे इतना, चलिए फेंक। अभी देखना कितने बड़े वो है पतंगबाजी है दोनों। ये देखो 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 देखो, गिरी 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 गिर गई। ये देखो खा लिया इन्होंने किन्नू, और यहाँ पे देख रही है ये फोन। हाय कर दो, आज काफी दिनों बाद व्लॉग में आ रही हूँ, हाय। सब लोग मिस कर रहे होंगे आपको, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ मैं, मेरे को तो मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, नहीं आता व्लॉग क्यों। हाँ वही तो, हाँ देखो ये तो ये टाइम पास कर रही है फोन के साथ। हम लोग वेट कर रहे हैं अपने कुछ खाने का, हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। नीरज चंद कुछ बना रहे हैं हमारे लिए, क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम पता नहीं कैसे चाय बनाने का मन हो रहा है उनका, तो खुद से कहा उन्होंने कि चाय बना देता हूँ मैं तेरे लिए, मेरा तो आज व्रत है। गुड़ वाली, गुड़ गुड़ वाली खाते हैं हम लोग, चीनी मत डालना भैया, तो पानी बंजन बना। हाँ अरे अगर गंदी चाय हुई ना नीरज फिर देख लेना, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी मैं अभी। तो ये चाय बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, खुद से इनका मन हुआ, मैंने कुछ भी नहीं बोला बनाने के, मेरा तो फास्ट है। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट कभी कभी फास्ट में या कभी बहुत ठंडा हो गया तब पी लेती हूँ, पर अब तो गर्म है यार, तो व्रत है ना मेरा इसलिए पी रही हूँ। सो चलो वेट करते हैं चाय का, कैसे बनती है चाय देखते हैं। तो यहाँ पे ना चाय वेट करते करते मैं पहले वहाँ बैठी थी धूप में, अब साथ यहाँ पहुँच गई हूँ, उस साइड से इस साइड पहुँच चुकी हूँ, धूप भी चले गई, लेकिन मिस्टर नीरज चंद की चाय नहीं बनी है। ओ भाई फाइनली फाइनली आ चुके हैं, देखो कितनी लंबी उम्र है इनकी, रुको एक मिनट। तो आ चुके हैं नीरज जी हमारे लिए चाय लेके, और कप देखो इसको, ये सो गाइस ये कप ना फर्स्ट एनिवर्सरी का ना, हाँ जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो नीरज ने मुझे ये कप किया था गिफ्ट, प्रिंट किया था। सो ये है हमारी पोस्ट वेडिंग की फ़ोटो, और ये है हमारी शादी की फ़ोटो, और चाय के मजे लो एक सेकेंड यार पहले दिखा लूँ मैं सबको। ये भी हमारी पोस्ट वेडिंग की है, हाँ तो इस पे ये एक और है ना शायद ऐसी हमारे पास, हाँ एक और है। तो चलते हैं चाय की मजे लेते हैं, और साथ में गुड़ की कट्टी मारते हैं। और चाय कैसी हो रही, पीली नहीं पीते हैं, चलो कि पीते हैं हम पहली बार देवर जी की हाथ की चाय। देवर जी का मुंह देखो, चाय बनाते बनाते बोला चाय कम हो गई, बोला लास्ट में चीनी कम बन पाई, अपने लिए नहीं बना पाए, पापा को चाय कैसे देते हैं, चार ही नहीं बजे अभी तो यार, तुम भी ना चार ही नहीं बजे अभी, मतलब कुछ भी चाय बनाए नहीं पापा, क्यों मैंने तो कहा था सपने बनाना है ना, चाय तो कहा था बननी होगी मुझे पता है, चाय पीती हूँ उनको बढ़िया कलर तो अच्छा लग रहा है। पहली बार टेस्टी, पहली बार चाय बनाई है देखो मेरे पति देव ने, होटल फेल है क्लियर बता रहा हूँ, मैंने पिया नहीं पर मुझे पता है, बहुत अच्छी लेकिन ठंडी ही हुई चाय लग रही है आपको भी, ठंडी यार इतनी ठंडी कैसे हो गई, अभी तो बना के सीधा लाए होंगे ना, गर्म तो कहाँ पीती है यार, ठंडी तो पीती है चाय, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, रोज बनाना चाहिए ठीक है, अच्छा रोज सुबह शाम की ड्यूटी है चाय की आपकी, ओके ठीक है ठीक है, बस अब पतंग उड़ाएंगे, अरे यार बैट बॉल दो, चलो चाय पीते हैं, जो एक ही के अंदर 10 चम्मच घुसे, हाँ यार थोड़ा थोड़ा होना, कितनी होनी चाहिए, 4 थोड़ा थोड़ा होना, थोड़ा थोड़ा
ये इतनी होनी चाहिए, इतनी ये साइज़ ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो है रात के 10 बज रहे हैं और मैं और मेरी जिठानी के काम, मेरी तो क्या, मेरी जिठानी कर रही है, इसके बाद मैं भी करूँगी थोड़ा उनकी हेल्प। थोड़ा सा पहले एक और वीडियो शूट कर लेते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो हमने यहाँ पे डाले हैं लाल मिर्च का अचार, जो कि हम फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं। मैं तो वैसे भी कोई अचार डाला नहीं है, मेरी जिठानी डालती है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने डाला है मूली का अचार, मूली का अचार मिक्स करके डाला है दो डब्बे, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो हमारे लिए डाला है ये अचार। और घर की मूली थी बस, थोड़ा सा गाजर खरीद के लाए थे मार्केट से। और यहाँ पे डलना है लाल मिर्ची का अचार फर्स्ट टाइम। तो मम्मी ने कहा कि चलो डाल देते हैं हम लोग भी, तो चलो ट्राई करते हैं कैसे हो रहे हैं। अभी देखो इतने तो उन्होंने बना दिए हैं, और ये है इसकी स्टफिंग मसाला। तो अगर कभी रेसिपी शेयर करूँगी अगर आप लोग को चाहिए होगी तो क्यों भाभी से पूछ के। तो चलो डालते हैं मिर्ची का अचार, ऐसे स्टफिंग इसके अंदर डाले जाएगी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होता है मुझे खुद नहीं पता। तो पहले तो बहुत सारी मिर्ची है, सबको भरना पड़ेगा। और मसाला मुझे क्या लग रहा है पता है, कम होगा ना, क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा है, मिर्ची हो गई है ज़्यादा, मसाला हो चुका है कम, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। कम डालो रे, थोड़ा डाल के भी तो नहीं होगा ना फिर, क्योंकि अरे हो गया तो जी थोड़ा डालो।